नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और काफी दिनों के बाद आपके सामने आया हूं। एक्चुअल में मैं आपको फिर दोबारा यही बताना चाहता हूं कि आपको मैंने एक सजेशन दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, जो कि कई लोगों ने देखे कर भी लिया है, कुछ लोग अभी सोच भी रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ज्यादा सोचो मत, अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करें। वो अच्छी जगह आज की डेट में यमुना एक्सप्रेस वे है और यमुना रेड़ा के अंदर में आपको सेक्टर 18, 19, 20 इनमें आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और आपका 22G है। नहीं तो अगर इंडस्ट्री अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेक्टर 28, 29 और 32 उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। जो सेक्टर 18 है, बहुत ही अच्छा सेक्टर है। 350 मीटर के इसमें प्लॉट्स हैं। कुछ प्लॉट इसके अंदर जो है अलग साइज के, लेकिन वो 70 में है, वो 60 मीटर भी है, 120 भी है, तो वो चीज एक अलग हो जाती है। लेकिन प्रॉपरली जो है सेक्टर 18 के अंदर आपको 300 मीटर का ही साइज देखने को मिलेगा। आज की डेट में जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 18 के अंदर ही। सेक्टर 18 में आप 300 मीटर की कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आज का समय बहुत अच्छा है। जनवरी में जो आया था उसके बाद में मैंने उसमें भी यही कहा था आपको कि आप फरवरी तक अपना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि मार्च आने के बाद में थोड़ा सा रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा अभी कहना यही है कि अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है यमुना के अंदर, अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप बिल्कुल अभी ले लें। इससे बढ़िया आपको समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में रेट्स जो है इंक्रीज ही होंगे। काफी अच्छे स्तर पर चल रहा है। फरवरी के अंदर में ट्रायल का सुन रहे थे, बट क्या है कि अभी जो अपना राम मंदिर जो बना है उसकी वजह से सारा थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया है, थोड़ा डिले है। मार्च के अंदर से आप सुन भी सकते हैं और आप न्यूज में देख भी सकते हैं कि मार्च से जो है अपना ट्रायल शुरू हो जाएगा और सितंबर तक ये मान के चलिए कि यहाँ से फ्लाइट होने भी लगेगी। और बहुत अच्छा इस समय में प्रोसेस चल रहा है, प्रोग्रेस पर है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है एयरपोर्ट का। क्योंकि मैं अभी एक घंटे पहले होके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कि अभी रनवे बिल्कुल क्लियर बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप आने वाले दिनों में ये सुनने वाले हैं कि बहुत जल्दी यहाँ से टेस्टिंग उड़ान शुरू होने वाली है। तो हम बात कर रहे थे सेक्टर 18 की, तो सेक्टर 18 के अंदर में आप ये मान के चलिए कि बहुत इस समय में डेवलपमेंट चालू है और कंप्लीशन काफी बन चुके हैं। आप यहाँ लीजिए, अब ये इस तरीके से हो चुका है कि पहले लोग कहते थे कि 5 साल तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जंगल है। लेकिन आज की डेट में आप आके देखें, 2 साल में मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पर रिहायश शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी रिहायश शुरू हो जाएगी। इसके अंदर में आप लेकर आज की डेट में इमीडिएटली कंप्लीशन बना भी सकते हैं। इसके अंदर में आपको हर पॉकेट के अंदर में पार्क्स वगैरह, कम्युनिटी सेंटर वगैरह सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, डेवलप हो रहा है और बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, तो फिर आपके सामने ये अलग ही तरीके से पेश होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सेक्टर 18 एक बहुत अच्छा सेक्टर है। अब आते हैं हम सेक्टर 20 पे। सेक्टर 20 के अंदर आपको जो साइज मिलते हैं वो आपको मिलते हैं इसके अंदर में 300 मीटर का, 500 मीटर का, 1000 मीटर का, 2000 मीटर का और 4000 मीटर का। इसके अंदर में आप देखें 300 मीटर में भी आज की डेट में जो 100 मीटर के साथ लगे हुए हैं वो FG पॉकेट है। ये बिल्कुल 100 मीटर के साथ लगे हुए, जो डिवाइडिंग है 18 और 20 की। और इसके अंदर आपको 4000 मीटर का साइज मिलता है रेजिडेंशियल प्लॉट में, और इसके साथ में आपको 2000 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर भी मिलता है। तो जो 500 मीटर है वो आपको मिलता है QRSTU में, जो कि बिल्कुल फिल्म सिटी के साथ लगे हुए हैं। और जो 4000 मीटर है वो आपको बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे है उसके साथ है। और 2000 मीटर भी जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे किसी करता हुआ ही है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, आप इसमें भी देख सकते हैं। आपको जो यहाँ प्राइस मिलते हैं वो प्राइस आज की डेट में चालू होता है 190 से, और 240 तक का प्राइस है 300 मीटर का। अगर आप जाते हैं अपना 500 मीटर में, तो 500 मीटर में आपको जो प्राइस मिलता है वो मिलता है 3 करोड़ से लेके और 4 करोड़ के बीच में। और अगर आप जाते हैं 1000 मीटर के अंदर, तो 1000 मीटर में आपको प्राइस मिलता है 55,000 से लेके 60,000 तक का। और बाकी अगर आप बढ़िया लोकेशन पे जाते हैं तो वो जो प्राइस है वो 65,000 रुपए भी होता है। इसके बाद आते हैं हम अपना 2000 मीटर पे। 2000 मीटर का जो रेट है वो आज की डेट में 50 से 55 के बीच में है, 50,000 से 55,000 के बीच में। और अगर हम आते हैं 4000 मीटर में, तो 4000 मीटर का जो रेट है वो 55,000 से लेके 60,000 के बीच में। तो मैं आपसे कहूंगा इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप करना चाहते हैं
तो आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर ये रेट्स नहीं रहेंगे, रेट्स इंक्रीज होंगे। अब शुरू करते हैं सबसे प्राइम और सबसे अच्छी लोकेशन वाला जो सेक्टर बनने वाला है वो है 22G। 22G के अंदर में आपको आज की डेट में कई फंक्शनल्स कंपनी है, आज की डेट में वीवो भी वहाँ रनिंग में है, पतंजलि है, लावा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। फिर उसके अलावा कई फ्लैट्स हैं जैसे कि ATS वगैरह हो गए, ये भी 22G में पड़ता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर एजुकेशनल हब है, इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी बात यह है रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एजुकेशनल जो है पूरा हब बनेगा ये। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, 22G आज की डेट में बहुत ही प्राइम सेक्टर है। इसके अंदर में आपको अगर रेजिडेंशियल के अंदर जाते हैं तो आपको साइज मिलता है लेकर 29.76 मीटर का फ्लैट इससे स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में इससे बड़े फ्लैट्स आते हैं, तो आप फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्लैट्स में भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लॉट्स चाहिए तो प्लॉट्स में यहाँ से 120 की रेंज से शुरू होता है, 120 मीटर का, फिर 162 मीटर का। आपको ए ब्लॉक 22G के अंदर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 162 मीटर का, बी ब्लॉक में आपको मिलेगा 120 मीटर का। और जो 120 मीटर का जो प्लॉट है इसका जो प्राइस रेंज है वो 120 के आसपास है, और जो 162 का है ये 45 से लेके 150 के आसपास है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप 1.5 CR के अंदर अगर लेना चाहते हैं तो आपको 162 मीटर मिल जाता है। अभी ये चीज आपको बहुत ही प्राइम जगह पर है, और सबसे बड़ी बात यह है आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको इंडस्ट्री भी मिल रही है, एजुकेशनल हब भी मिल रहा है, रेजिडेंशियल भी मिल रहा है। एजुकेशनल हब पूरा बनेगा, आप देखेगा, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, तो यहाँ बहुत अच्छा होने वाला है। आप ये लगा कर देखिए जो 22G है, एक टाइम पे आप खुद ही इस बात को बोलेंगे मैंने आपको गलत नहीं बोला कि बहुत प्राइम सेक्टर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि बहुत ही ज्यादा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 18, 19, 20 और 22G के अंदर कर सकते हैं। अगर रेजिडेंशियल में आप जाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया आपको इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं मिलने वाला। रही बात ग्रेटर नोएडा की, ग्रेटर नोएडा का इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में तो सिर्फ जो वहां पर है, आज की डेट में जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर में टोटली आपको पता है कि किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट है। वहां रेट्स अब रुक गए हैं, जितना इंक्रीज होना था हो चुके हैं। अब आज की डेट में जो बारी आ रही है वो यमुना की बारी आ रही है, और यमुना के रेट आप देखना मार्च लास्ट से आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं हम सेक्टर 16 और 17 के लिए। आज की डेट में कई लोगों को क्वेश्चन आता है जी सेक्टर 16 के अंदर में क्या डेवलप चल रहा है, सेक्टर 17 के अंदर क्या डेवलप चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेक्टर 17 के अंदर डेवलप जारी है, और आज की डेट में रजिस्ट्री भी हो रही है, और सेक्टर 16 के अंदर में अभी कुछ नहीं है, इसमें खेती हो रही है अभी इसमें का लगभग आप मान के चलिए कि 2 साल के आसपास लगेंगे डेवलप हो जाएगा सेक्टर 16 भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज की डेट में जिन लोगों को अगर छोटा प्लॉट लेना है तो सेक्टर 17 ले सकते हैं, सेक्टर 17 भी बहुत अच्छा सेक्टर है, और 16 में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 2 साल के लगभग मान के चले कि आपको अभी वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 16 में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको डेवलप होके ये लगभग मान के चलिए 2 साल का भी समय लगेगा, इसमें भी आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इसके अंदर आपका सिर्फ जो है एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड हो सकता है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है। और रहा अगर सेक्टर 17 की बात, तो सेक्टर 17 में आपकी रजिस्ट्री हो सकती है, आप लेके अपने नाम में ट्रांसफर भी करा सकते हैं, और ट्रांसफर कराने के बाद में आप इसकी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। तो सेक्टर 17 आज की डेट में एक धीरे धीरे बढ़ने वाला सेक्टर है, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन पर है। लोकेशन इतनी अच्छी है आप भी देखेंगे, धनोरी जो है विलेज है, धनोरी विलेज के साथ लगा हुआ है ये, और बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी भी। इसके अंदर में आपको जो साइज मिलते हैं, साइज में आपको 120 का, 200 का, 300, और अगर आप सेक्टर 16 के अंदर जाते हैं तो आपको 120 का मिलता है, 162 का मिलता है, 200 का मिलता है, और 300 का भी साइज मिलता है। तो आप देख सकते हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यमुना से अच्छी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यमुना के अंदर अदर अदर लोकेशन है, अदर अदर साइज है, और बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो यमुना में करें, बाकी आपको इतना बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट का फायदा है वो और कहीं नहीं मिलने वाला जो आपको यमुना में मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो
और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर जो है आप देखेंगे यूट्यूब पे आ रहा होगा मेरी वीडियो के साथ में ही, बाकी नई जानकारी के साथ आपके साथ जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।